को रिलीज डेट अनाउंस हुआ है उसका जो है 6 सितंबर को। ये जो आज संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है 6 सितंबर को आएगी। भारत को असली आजादी 2014 में मिली थी और 1947 में हमें जो आजादी मिली थी वो आजादी नहीं बल्कि भीख थी। ये शब्द है मंडी की नई नई सांसद कंगना रनौत के, जो उन्होंने एक इवेंट के दौरान कहे थे। वेल, जहां जहां कंगना वहां वहां कॉन्ट्रोवर्सीज, बॉलीवुड हो या फिर सांसद, कंगना अपनी बेबाकी से कभी पीछे नहीं हटती। मंडी से सांसद चुने जाने के बाद कंगना ने खूब लाइमलाइट बटोरी, चाहे चिराग पासवान के साथ उनका वायरल वीडियो हो, गले लगना हो, हाथ मिलाना हो, या फिर उनकी हंसने हंसाने वाली खास बॉन्डिंग हो, या फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की महिला ऑफिसर से थप्पड़ खाना हो। कंगना और कॉन्ट्रोवर्सीज का एक दूसरे से गहरा नाता रहा है। तो वहीं अब मंडी की नई नई सांसद बनी कंगना एक हाथ में अपना बॉलीवुड करियर तो दूसरे में राजनीतिक करियर को संभालने की पूरी कोशिश में है। सांसद बनते ही कंगना ने अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल पर मैं हूं आपके साथ बबीता रेखवार। चुनाव जीतने के बाद कंगना फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर चुकी हैं और अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। 1975 में भारत में लागू हुए आपातकाल की कहानी लेकर आ रही इस फिल्म में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। कंगना ने एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म में काम किया है। इस फिल्म की रिलीज डेट को 3 बार पोस्टपोन किया जा चुका है। सबसे पहले ये फिल्म अक्टूबर 2023 में रिलीज होने वाली थी, इसके बाद इस डेट को पोस्टपोन कर इस फिल्म को 24 नवंबर 2023 में रिलीज करने की बात कही गई। इसके बाद फिल्म को 14 जून 2024 को रिलीज करने की बात कही गई, लेकिन अब फाइनली फिल्म 6 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। कंगना ने फिल्म का नया पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके बाद कई लोगों ने कंगना की तारीफ की तो कुछ ने हमेशा की तरह उन्हें जमकर ट्रोल किया। किसी ने लिखा कंगना शेरनी है, तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा 5वें नेशनल अवार्ड की तैयारी है। तीसरे ने लिखा ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। इस पोस्ट को हजारों लोगों ने लाइक किया और शेयर किया, तो वहीं कंगना के कमेंट सेक्शन में कुछ लोग रिलीज से पहले ही इस फिल्म को फ्लॉप बताते नजर आए। कंगना रनौत का कहना है कि जो लोग संसद में संविधान की किताब लेकर शोर मचा रहे हैं, आने वाली 6 सितंबर को उनकी काली करतूतें सामने आएंगी। को रिलीज डेट अनाउंस हुआ है उसका जो है 6 सितंबर को। ये जो आज संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज़्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है 6 सितंबर को आएगी। और ये फिल्म, जैसे कि मैंने बताया, ये फिल्म जहाँ जहाँ जो जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है उस पर मैंने ये किताब बनाई है। और इसे ये लोग रिफ्यूट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है इनके सारे काले चिट्ठे खोलेगी। खैर, कंगना रनौत ने दावा तो कर दिया है कि ये फिल्म इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को वो बेनकाब करेंगी, लेकिन उनके दावे में कितना दम है इसका पता फिल्म के आने के बाद ही चल पाएगा। लेकिन ये सच है कि बीते सालों में सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा करते हुए ऐसी तमाम फिल्में बनी हैं जिनमें दिखाई गई कई बातों पर गंभीर सवाल उठे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।